यहाँ आएगा यहाँ नू टेक दूंगा नीचे करके। एल्विस यादव ने अदनान शेख को फिर से रिप्लाई दिया है। हाल ही में अदनान शेख ने बिग बॉस के घर से बाहर आकर उन्होंने ये कहा, एल्विस यादव को रिप्लाई करेंगे, उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्रिमिनल के सिस्टम को हैंग करेंगे। तो उसी पर एल्विस यादव ने अदनान शेख को रिप्लाई करा है। उसने जो मेरे को उसमें बोला ये रहा, ये वाला हैंग कर रहा है अभी बहुत, जो बड़ी बड़ी बातें आगे की है ना कि किसको क्या इलाज की जरूरत है। अभी थोड़ा उड़ते उड़ते बहुत सारी वीडियोस आई है, तो थोड़ा सा आराम से रेस्ट करके इसका एक बार में हिसाब किताब करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। पॉजिटिव चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं अदनान से कभी मिलूंगा बाय चांस तो अदनान पहली बात तो यूं देखेगा सही बात खोपड़ी यहाँ आएगा यहाँ नू नू टेक दूंगा नीचे करके। जो इसने तो कई चीजों की हिसाब लेना, अदनान को तो वीडियो वाडियो का हिसाब लेना, मुझे कई चीजों का हिसाब लेना। तो बोलते सेवेज इसके अंदर सेवेज पन्ना तो निकालूंगा, सेवेज तो इसने देखा ही नहीं। कह रहा मेरी गैर मौजूदगी में बॉर्डर पे चला गया था तू जब पीछे थे तेरे घर वाले किसी को छेड़ गया मैं गैर मौजूदगी। भाई तुम तो दिल्ली आते नहीं, पता क्यों नहीं आते तुम दिल्ली? क्योंकि तुम्हें कोई बुलाता नहीं, पर हम मुंबई जरूर आते हैं क्योंकि हमारा काम होता उधर। बाकी हम तुम्हें बुलाएंगे, काम देंगे तुम्हें दिल्ली में भी, तो दिल्ली में आना तुम या फिर मैं मुंबई में आऊंगा, वहां मेरे सामने मिल जाइयो, पैसे देख के तुझे बात करवाऊंगा। पहले तो ना मैं पहले मैं बैठूंगा फिर मैं बराबर आऊंगा तेरे, उसके बाद करेंगे आगे की बातचीत। तो भाई जितने मुंह खुल रहे हैं मुंह बंद कर ले दोस्त, आमने सामने ना निकलेगी इतनी जुबान दराजी। बिग बॉस में भी देख लिया था कितना डेंग है तू, धक्के धुक्के मार के मारे मार के दिखा दे, धक्का तो ऐसी करके दिखा दे उससे पता लग जाएगी तुझे कि फर्क क्या होता है। बट कोई नहीं, इसको धमकी में मत लेना, दिस इज नॉट धमकी, ये हमारा कैजुअल टॉक है, कैजुअल हरियाणवी टॉक्स भी लाइक। ठीक है भाई, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे।